में भाई फुल अपना ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, मेरा नाम है दानिश जुब्रान और आज मैं अपने चैनल के लिए नया कंटेंट शूट करने जा रहा हूँ। कंटेंट कुछ यूँ होगा कि हम दो गाड़ियों का आपस में टोचन करवाएंगे। टोचन पंजाबी में टग ऑफ वॉर को कहा जाता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। दोनों गाड़ियों को हम आपस में एक दूसरे के साथ टो चेन से बांध देंगे और उन दोनों को जोर लगवाएंगे। समझ रहे हो? जो ज्यादा जोर वाली गाड़ी होगी वो दूसरे को खींच के ले जाएगी। दोनों गाड़ियों के बारे में मैं बताता चलूं। मैं बैठूंगा M151 अमेरिकन मिलिट्री जीप में, जो 2400 cc इंजन के साथ आती है। 65 हॉर्स पावर होती है, 174 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। काफ़ी टॉर्की गाड़ी है, काफ़ी ज़ोरदार गाड़ी है। 4x4 एक्टिव होगा और दूसरी तरफ हमारे पास है चाइनीज़ लोडर रिक्शा, जो कि 150 cc पेट्रोल इंजन के साथ आता है, 17 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और काफ़ी टॉर्की होता है। उसके अंदर भी लो गियर मौजूद है। बेसिकली इन दोनों के दरमियान टोचन करवाने का मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़ोरदार गाड़ियां हैं और जहां तक बड़ा हवा मचा हुआ है कि ये जो आर्मी मिलिट्री जीप होती हैं, विलीज जीप हो गई, ये मट हो गई और इसके बाद भी आने वाली, कि बहुत ज़्यादा वज़न उठा लेती हैं। World War II में तो जब वॉर ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद इनको हल के लिए भी इस्तेमाल करते थे किसान, तो ये बेसिकली ट्रैक्टर का भी काम कर लेती हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या कर सकती है एक लोड रिक्शे के ख़िलाफ़। पर्पल से नहीं करना, हमने पहले हम लोग करेंगे पहले इस वाले के साथ जो बड़ा जंगले वाला है। हाँ जंगले वाला यार, जरा मजनी भी है ना भाई जान, है हमारे लाते तो भाई का है, 500 किलो का रिक्शा है। हैं, आओ जी लगाओ जी पुट्ठे, तो इसके इसमें डाल इस तरह, नहीं ये घूम के ना अंदर से घुसा के इसको आपस में होगा। ये जी हमारा टोचन तैयार, और ये दूसरे वाला बस जी। राउंड वन, हाँ जी पहला राउंड में जीत चुका हूँ। अब के जब दो रिक्शे जीप के साथ लगेंगे टोचन में, तो मैंने पहले राउंड में जीप को 2x4 में रखा हुआ था प्लस वन रिक्शा, तो वो ले आई थी आराम से। तो अब जबकि दो रिक्शे हैं तो मैं जीप को डालूँगा 4x4 में, ताकि इवन मुकाबला हो। तो देखते हैं अब क्या होता है। तू क्या कह रहा है, सीट दूँ तो? हेलो, तो सेकेंड राउंड में दोनों रिक्शे अपने लो गियर मोड पे थे, तो जीप ने डिस्ट्रॉय कर दिया है दोनों रिक्शे को।
गाइस अब तीन रिक्शे का सेटअप स्टार्ट करने लगे हैं। अब हम लोग तीनों रिक्शों को जीप के साथ बांध रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि एक एक रिक्शे को हमने इस साइड वाले कुंडे पे डाला है, सेकंड रिक्शा हम इस सेंटर वाले टोचन पे रखेंगे और थर्ड वाला रिक्शा हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो अभी लास्ट ट्राई है, देखते हैं कि चाइना जीतता है या अमेरिकन मिलिट्री जीप जीतती है। तो देखते हैं अब क्या होता है। जी अल्लाह दादा भाई, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? अब तीन रिक्शे अब आपके लग गए हैं, तीनों दोस्त आ गए हैं, जीतेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक। गए मुझे तो लगता है कि मैं तीनों को ले जाना है किसी के हैं। फाइनल राउंड, जीप देखे आधी अंदर चली गई है, वो वाला टायर भी जीप जीप ने भाई फुल अपना ना जीप ने भाई बताया है कि मैं हार नहीं माननी। माशाल्लाह रक्षों ने भी यार तीन रक्षों ने भाई बड़ा जोर लगाया है, है? मगर भाई एंड पे आपकी हैं जी, हम हार चुके हैं एंड पे भाई, फिर अमेरिका जीत गया। अच्छा एक छोटा सा इशू हुआ है राउंड थ्री में, थोड़ा सा बायस काम हो गया। मैं एडिटिंग फेज में था जब मैंने कल ये वीडियो शूट की, तो उसमें मैंने देखा कि जो पहला रिक्शा था जिसपे दाढ़ी वाले मौलवी साहब थे, उन्होंने बिल्कुल भी जोर नहीं लगवाया। तो बेसिकली राउंड थ्री में भी मैं एक तरह से दो रिक्शों के साथ ही कर रहा था, और ये अनजस्ट होगा मेरी तरफ से, गलत होगा कि मैं कहूँ कि हाँ यार मैंने तीन रिक्शों को खींच लिया, जो कि मुझे लगा कि मैंने खींच लिया, बट मैंने बाद वीडियो देखी क्योंकि ऑब्वियसली मैं उल्टी तरफ खींच रहा था और मैंने अपनी मट के धोए निकलवा दिए, ज़मीन तक खोद डाली इस चक्कर में। और जब मैं ज़मीन खोद रहा था तो मैं नोट किया जो पर्पल वाला और पहला रेड वाला रिक्शा था वो ब्रेक लगा के बैठे हुए थे। तो 1500 केजी वर्सेस 1100 केजी, तो वो नहीं खींच सकती अगर वो सारे टायर पे ब्रेक्स लगी हों। तो ये थोड़ा अनजस्ट हुआ है, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरे चैनल पे अनबायस्ड चीज़ हो, स्क्रिप्टेड चीज़ हो। मेरे चैनल पे हमेशा एक नंबर कंटेंट होगा जो आप सोचते हैं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली यूट्यूबर से पहले एक व्यूअर रह चुका हूँ और हूँ भी। मैं बड़े शौक़ से इस तरह की वीडियोस देखता हूँ, टोचन की, टग ऑफ वॉर की, ड्रैग की। तो मैं चाहूँगा कि फेयर चीज़ होनी चाहिए। तो कल मुझे लगा कि यार मेरी जीत गई है, बट वो अनजस्ट हुआ था। अगर तीसरा रिक्शा प्रॉपर तरीके से कोई इंसान का बच्चा ड्राइवर होता हेलो और वो जोर लगाता, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तीन रिक्शे प्रॉपर तरीके से जोर लगाते तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे सकते थे मेरी मट को। बट आई डोंट नो। खैर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्लीज़ दबाएं और अपना सपोर्ट मेरे साथ रखें। थैंक यू।